नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और चुनाव एक्सप्रेस का ये सफर लगातार जारी है। आज हम पहुंच चुके हैं ग्वालियर लोकसभा सीट पर, जहां मुकाबला बेहद दिलचस्प है। ग्वालियर लोकसभा सीट जिसमें 8 विधानसभा सीटें आती है, और पिछले चुनाव में जो मुकाबला रहा था, नतीजा उसका आया था 50-50, यानी कि कांग्रेस के खाते में 4, बीजेपी के खाते में 4। और इस बार बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी का टिकट काटकर एक नेता पर दाव लगाया है जो विधानसभा चुनाव हार गए थे, यानी कि भारत सिंह कुशवाहा। मजे की बात यह कि कांग्रेस ने भी प्रवीण पाठक पर दाव लगाया है जो भी विधानसभा चुनाव हार गए थे। मुकाबला अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का है, तो ऐसा नहीं है। मामले में इंटरेस्टिंग एंगल एक और है, वो है बीएसपी का। जी हाँ, कंसारा जो कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगा रहे थे, टिकट नहीं मिला, बिफर गए और कांग्रेस छोड़कर बीएसपी ज्वाइन कर ली और अब चुनावी मैदान में है। सियासत के जानकार बता रहे हैं कि इससे नुकसान कांग्रेस को होगा, लेकिन वादों का हिसाब किताब क्या है ये तो बताएगी ग्वालियर लोकसभा सीट की जनता ही। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस जनता का। तो चुनाव एक्सप्रेस के सफर की शुरुआत हम करते हैं। हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान यहाँ पोडियम पर ज्वाइन कर चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी कांग्रेस के डॉक्टर राम पांडे जी का, प्रदेश प्रवक्ता है। बीजेपी से कमल माखीजानी, प्रदेश कार्य समिति के मेंबर हैं। सर, स्वागत है आपका भी हमारे साथ। राजनीतिक मिजाज क्या कह रहा है वो बताने के लिए जुड़ चुके हैं बतौर विश्लेषक डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा। जोरदार तालियां हो जाए। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जो बताएंगे हमें यहाँ के समीकरण क्या कह रहे हैं, अर्पण राउत जी भी जुड़े हुए हैं। जोरदार तालियां हो जाए। तो शुरुआत कमल जी, आसपास जितना हम भ्रमण कर रहे हैं, बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपीस पर वापस से भरोसा दिखाया। यहां से आपने सिटिंग एमपी का टिकट काटा और भारत सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा। राजघराने का दबदबा और इसीलिए कोई भी जातिगत समीकरण काम नहीं करता, ये था, या फिर यहां मोदी फैक्टर? सर माइक मेरे पास। देखिए, हमारी पार्टी जब संगठन के हिसाब से तय करती है, तो जो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होता है, जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, हम उसको मैदान में उतारते हैं। भारत सिंह जी मात्र 2000 वोट से हारे थे और उस समीकरण अलग थे, और अभी लोकसभा के समीकरण अलग हैं, यहाँ विषय अलग हैं। तो मेरे ख्याल से भारत सिंह जी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा काम करा है ग्रामीण में, और सहज सरल हैं, और बहुत छोटे कार्यकर्ता से निकल करके इस सीमा तक पहुँचे हैं। तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता भी उनके साथ में है, और जनता का भी भारी समर्थन उनको मिल रहा है। पाठक ही क्यों जी? पाठक जी के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन इन्होंने कहा था कि भारत सिंह कुशवाहा जी ने बहुत काम किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत भ्रष्टाचार किए हैं। उनके पास कुछ एकड़ जमीन होती थी, आज हजारों एकड़ जमीन है। कुछ थोड़ा बहुत पैसा होता था, आज हजारों करोड़ रुपए उनके पास में हैं। और हम जहाँ तक प्रवीण पाठक जी की बात करें, तो हर इंसान शिक्षित होना चाहिए। मध्य प्रदेश में यदि शिक्षा के क्षेत्र में किसी विधानसभा में काम हुआ है, तो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में हुआ है। उन्होंने अपनी विधायक निधि का जो भी उपयोग है दक्षिण विधानसभा में स्कूलों के लिए किया है। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के नेता घर से नहीं निकलते थे, तब प्रवीण पाठक अपनी जान की चिंता किए बिना जनता के बीच में जाते थे और लोगों को दवाइयां उपलब्ध कराते थे, राशन उपलब्ध कराते थे। प्रवीण पाठक जी, आप दक्षिण विधानसभा में घूमेंगे तो आपको चारों तरफ दिखेगा, गेट बने दिखाई देंगे। यहां भी देखिए, जो शुरुआत हुई थी प्रवीण पाठक जी के द्वारा हुई थी ग्वालियर में, 1000 करोड़ के बेड की बात भारतीय जनता पार्टी 15 साल से कर रही थी। हमारी 15 महीने की सरकार आई और वो 1000 करोड़ के हॉस्पिटल का काम प्रवीण पाठक ने शुरू कर दिया था। शिक्षित हैं, अनुभवी हैं, योग्य हैं और जनता के फेवरेट हैं। अर्पण जी, ये तो बात हो गई सियासी दलों की, जाहिर तौर पर अपने प्रतिनिधि की तारीफ ही करेंगे, लेकिन अगर हम समीकरणों की बात करें तो इस बार का चुनाव आपको किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस का जो था प्रत्याशी, जैसे भारत सिंह कुशवाहा जी आते हैं, और कांग्रेस ने ये टिकट अपना करने में काफ़ी वक्त लिया और प्रवीण पाठक को अपना चेहरा बनाया। तो निश्चित तौर पे अब ये चुनाव जो टर्न हुआ है, ये ओबीसी वर्सेस सवर्ण का चुनाव एक तरह से नजर आ रहा है मोटा मोटा, और इसका फायदा अब किसको मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा ये तो आने वाले नतीजे बताएंगे, पर ये सीधा चुनाव अब ओबीसी वर्सेस सवर्ण का ग्वालियर में साफ दिख रहा है। ओबीसी वर्सेस सवर्ण, लेकिन क्या कंसाना कोई फैक्टर है? देखिए, यहाँ पर मैन जो बैटल है
वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स का मॉडल हमेशा बायपोलर रहा है, ये स्पेशली इन लोकसभा इलेक्शंस। अब आपने कहा कि क्या कल्याण सिंह जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस इलेक्शन पर डाल पाएंगे, क्योंकि बीएसपी का वोट हर चुनाव में डिक्लाइन होता दिखा है और एक बड़े वोट शेयर बिल्कुल शून्य की तरफ जा रहा है, इसलिए नहीं कहा जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश की इस सीट को, ये बहुत ही हिस्टोरिकल सीट है जहां विजयराज सिंधिया, माधव सिंधिया चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी भी यहां कंट्रेस्ट किए हैं और चुनाव हार गए थे माधवराव के अगेंस्ट, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट सीट है। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की बात है, तो कांग्रेस एक प्रयास में है कि इस इलेक्शन को कैंडिडेट बेस्ड या कास्ट बेस्ड कर दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को नेशनल बेस यानी मोदी के चेहरे पर लेना चाहती हूँ, स्पेशली मोदी की गारंटी डेवलपमेंट नेशनलिज्म एवं मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी पूरी करने की गारंटी, क्या ऐसा है? यस, मोदी जी पे हमको विश्वास है। कुर्सी छोड़ दीजिए पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर गायरी है जी। और मुझे मोदी जी पे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो हमेशा पूरी होती है, और उन्होंने जो 2047 में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो किया है वो 100% बना के रहे हैं। क्या मोदी का चेहरा ही काफी है? नहीं, आप भी कुर्सी छोड़ दीजिए, कुर्सी से बहुत प्यार है यार आप सबको। बोलिए आपका क्वेश्चन। आपका नाम क्या है? वैभव अग्रवाल। तो क्या मोदी पर ही भरोसा है सबको? नहीं, यहाँ से तो पवनी पाठक जी का उम्मीदवार अच्छे है, कर्मठ है, युवा लगनशील है, वो पढ़े लिखे प्रत्याशी है। मोदी जी गारंटी सब फेल है, पूरी फेल है। मुद्दा क्या होना चाहिए, नरेंद्र मोदी या लोकल इश्यूज? लोकल इश्यूज। क्या है लोकल इश्यूज आपकी नजर में? एक तो ग्वालियर विकसित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, यही इश्यूज है। ग्वालियर विकसित है, शिक्षित है? शिक्षित है। ग्वालियर में फिर बैठे हैं आप जी? अच्छा, एक्चुअली क्या है, कई सालों से ग्वालियर में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी को काबिज और अपने कब्जे में ले रखा है, और ग्वालियर की जनता इस बार कब्जा छुड़ाने वाली है, देश से भी और आने वाले समय में प्रदेश से भी। वो तो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। वो 800 पार का भी लगा सकते हैं, मोदी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, चूंकि जुमलेबाजी में तो माहिर हैं। जुमलेबाजी और देश में नहीं बल्कि यहाँ पर भी, और सिर्फ यहाँ पर भी नहीं बल्कि देश से भी रिप्लेसमेंट की तैयारी है। देखिए, कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यशाली बात यह है कि वो अपनी कमियों पर नजर नहीं फेरती है। उनके नेता, उनकी नीति, उनकी नीयत, ये क्या है, कभी अपनी समीक्षा नहीं करते हैं, हमेशा दूसरी कमी निकालने का प्रयास करते हैं। मोदी जी ने जिस तरीके से भारत को पूरे विश्व में स्थापित किया है, ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा यूथ उनके पीछे, वो जानते हैं कि अगर भारत बढ़ सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व भी बढ़ सकता है, चाहे कोविड की बात हो, चाहे हम धारा 370 की बात करें, चाहे राम मंदिर की बात करें, मोदी ने जो कहा वो किया, इस पर जनता विश्वास करती है। एनक्यू का फॉर्मूला बताते हैं, नेता नीति नीयत कुछ नहीं है। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करता हूँ, मोदी जी की गारंटी को पहले तो झूठ की गारंटी बोला जाए। 6 महीने पहले मोदी जी मध्य प्रदेश में आए थे और मोदी जी रैली नहीं है ना, ये शांत हो जाइए, आप भी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सब लोग। नहीं, ऐसे बात नहीं कर पाएंगे फिर, नहीं नहीं बात नहीं हो पाएगी ऐसे। कोई भी भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, अति महत्वपूर्ण डिबेट हो रही है, सबको मौका मिल रहा है, बीजेपी को भी मौका मिल रहा है, फिर भी बीजेपी के लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि जनता तक सच्चाई पहुंचे, कोई बात ठीक तरीके से पहुंचे। जैसे मोदी जी अभी आए थे मध्य प्रदेश में, फिगर की बड़ी बात करते हैं, 15 लाख बोलने की बात पुरानी हो चुकी, मैं उनकी नई बात बता रहा हूँ, 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। 6 महीने पहले मोदी जी मध्य प्रदेश में बोल के गए थे 450 का सिलेंडर क्या मिल रहा है। मोदी जी बोल कर गए थे कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल किसानों से धान खरीदूंगा, 2000 रुपए 2100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों की धान बेच रही है, दूसरा मोदी जी का झूठ। तीसरा मोदी जी का झूठ, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदूंगा, नहीं खरीदी जा रही है। आऊंगी आपके पास, आऊंगी, जवाब लूंगी आपसे, रुक जाइए। चौथा झूठ के 3000 रुपए महिलाओं को प्रति महीना दूंगा, चौथा झूठ। तो मोदी जी दुनिया में झूठ की गारंटी। जो आप झूठ बता रहे हैं उसका हिसाब ले लेते हैं जी। ये
मोदी जी ने जो 450 का सिलेंडर, सुनी रहे आप ध्यान से मेरी बात, खड़े हो जाइए पहले। हाँ बोलिए। वो झूठ गिनवा रहे हैं ना आप, हिसाब दीजिए, वहाँ तो चिल्ला रहे थे आप। बता रहे हैं ना, मोदी जी ने 450 का सिलेंडर जनरल तौर पर नहीं बोला था करने का। कैसे बोला था? उन्होंने तो उसके लिए बोला था उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिनको मिला। नहीं ये नहीं था, आप देख लो। हाँ बस यही बोला था। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये चुनाव प्रदेश का नहीं है, देश के स्तर पर है। हम यहाँ देश की सीमाएं सुरक्षित चाहते हैं, देश के अपने विदेशों में अपना मान सम्मान चाहते हैं। और जो कार्य 2014 से और 24 तक मोदी जी ने कश्मीर से ले कन्याकुमारी तक किए, क्या वो आज तक हुए? आप बताइए। जो टर्नल वो कह रहे हैं विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर है, विश्व गुरु मोदी जी, ये खाली ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान हो सकते हैं, विश्व गुरु हो सकते हैं, ये हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। राम भगवान को जलाएं, राम भगवान हमारे हैं, राम भगवान हिंदुस्तान के हैं, सभी हिंदुओं के हैं। यहाँ पर ग्वालियर में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई मोदी नहीं है, यहाँ पर चुनाव कुशवा परिषद हर जाति का चुनाव है। अरे मंदिर क्यों नहीं गए? राम के विरोधी तो कांग्रेस ही है, सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया राम का। अरे आप क्या बात करते हो? अच्छा ये बताओ राहुल गांधी की क्या चाहते है? राम जी को काल्पनिक बताने वाले, राम जी को काल्पनिक बताने वाले, हलफनामा पेश करने वाले, राम जी की बात कर रहे हैं। मोदी जी लाए हैं राम जी को, मोदी जी भगवान के नाम पर आने से करते हैं लोग। भाजपा केवल दो राम पे चुनाव लड़ती है, एक राम पर, एक हिंदू मुसलमान पर, वो दो चुनाव नहीं लड़ती। मैं आऊंगी, सब बैठ जाइए अपनी सीट पर, मैं कहूंगी तब खड़ा होना है। हाँ ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस राम मंदिर नहीं गई। मैं आपको बता दूं कि 1986 में राम मंदिर कांग्रेस ने ही खुलवाया था उनका गेट, इनको ज्ञान ही नहीं है। जय राम मंदिर की बात करते, जय बेरोजगारी की बात करते, गई नहीं है आज तक तुम्हारी मम्मी राम मंदिर में दर्शन करने नहीं। व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत। मैं राम पांडे जी से पूछना चाहता हूं, जो कोविड पे इनके प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी जो सबसे ज्यादा बोलते हैं कि उन्होंने ग्वालियर के लिए काम किया, मैं चैलेंज करूंगा 24 मार्च 2020 को इस शहर में कोविड लगा, सबसे पहले यदि शहर का नेता कोई यहां से भागा था तो वो प्रवीण पाठक था। मैं चैलेंज करूंगा यदि 6 महीने के अंदर का कोई भी फोटो प्रवीण पाठक का इस कोविड के भीतर का ये लोग दिखा दें तो मैं नाम बदल दूंगा। इकलौता टैंकर के पीछे भागने का फोटो, वही एक इनके पास अचीवमेंट है। और इस पूरी ग्वालियर दक्षिण विधानसभा को यदि बर्बाद किसी ने काम करने का किया है तो इस लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने किया है। सारे अवैध धंधे और रेत धंधे अगर किसी ने किया है, अवैध वसूली की है, तो सिर्फ प्रवीण पाठक ने की है। यहाँ पुलिस भी है, चुनाव आयोग के लोग भी हैं, चुनाव चल रहे हैं। धर्म के आधार पर यदि वोट मांगा जाता है तो ये गैर कानूनी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पुलिस के लोग हैं, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ चुनाव आयोग के लोग हैं, कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान हम कह रहे हैं इसलिए खतरे में। और इस बार का जो चुनाव है, यदि कांग्रेस को वोट दोगे तो अगले बार वोट डालने का मौका मिलेगा, बीजेपी को वोट दोगे तो अगले बार वोट डालने का भी मौका। बीजेपी की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, कांग्रेस कह रही है कि अगली बार तो चुनाव ही नहीं होने देंगे। जी मैम, भरोसा है किसी की बात पर? नहीं नहीं, हमें तो किसी पे नहीं। किसी ने कुछ किया कि नहीं? नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, सब अपना अपना फायदा देखते हैं और जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता परेशान है तो है, रोटियां सेकना। जनता क्यों परेशान है? जनता वादों से परेशान है, वादे कभी पूरे होते ही नहीं है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और कुछ सुनी, कौन से वादे पूरे नहीं हुए? बहुत से हैं, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि आप देख रही हैं, जो है सिलेंडर है, गैस है, आपका पेट्रोल है, डीजल कहाँ पहुँच रहा है, कितना महंगा हो गया, पहले कितना सस्ता था अब कितना महंगा हो रहा है। लेकिन तमाम जो योजनाएं चलाई गई हैं उनका क्या? कुछ नहीं है मैम, ये सो सब बीच वाला तो मर रहा है ना, योजना किसके लिए? नीचे वाले के लिए, पैसे वाला तो है ही, उसे कोई दिक्कत ही नहीं है। मध्यम वर्ग पिस रहा है, वो कह रहे मिडिल क्लास। आप कांग्रेस से पूछिए, इनका जो इंडी गठबंधन का एक साथी है CPIM, उसने 26वें पॉइंट पे क्या लिखा है अपने मैनिफेस्टो में कि हिंदुस्तान से पूरे
आपका न्यूक्लियर वेपन्स खत्म कर देंगे या जैविक हथियार खत्म कर देंगे, बायोलॉजिकल वेपन्स खत्म कर देंगे, क्या बनाना चाहते हैं आप इस देश को? क्या आपको सच नहीं लगता? और ये समर्थक बैठे हुए हैं, कांग्रेस के समर्थक बैठे हुए हैं, बोलिए। हमने आपको 4 साल की सेना खत्म नहीं करी, नहीं करी, आपको पता ही नहीं है कि क्या है वो। आपको अग्निवीर योजना पता है तो बता दो। इन्होंने सेना खत्म कर दी इन लोगों ने, और पिछले 70 सालों में सारी सरकारों ने जितना कर्ज नहीं लिया, मोदी सरकार ने 10 सालों में इतना कर्ज कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया। मेरा नाम देवेंद्र बघेल है। 10 साल के अंदर इतना काम हुआ है कि हमने 70 सालों में कभी काम नहीं हुआ। सब कुछ तो यही लेके आया, इनने करा क्या है? कुछ भी नहीं करा, सिर्फ झूठ है, झूठ बोला है। प्रथम पंक्ति वालों का नंबर बाद में आएगा, जरा लास्ट में चलते हैं, ठीक है? क्या किया है किसी ने? कुछ किया है अंकल जी? बस कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बस शो देखने आए। क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, शो तो बढ़िया लग रहा है, मुझे लड़ाई झगड़ा देखते हैं अच्छा लगता है। ये अच्छा लड़ाई झगड़ा, पब्लिक को मजा आता है, लड़ाई झगड़ा आपस में, और रात को पैक भी हो मिल के। मैडम सॉरी, कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे को नहीं पता आंटी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई कुछ बोलेगा नहीं, सिर्फ देखने आए यहाँ पर। काका आपका नाम क्या है? रमा खान कदम, बोलिए। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 80 साल। 80 साल। ग्वालियर में क्या क्या काम हुए? अच्छे हुए? ग्वालियर में बहुत बढ़िया काम हुए, अच्छे काम हुए, विकास हुआ है, विकास हुआ है ग्वालियर के अंदर, ऐसा नहीं कि विकास ना हुआ हो, बहुत बढ़िया काम हुए, अच्छे काम चल रहे। कोई शिकायत नहीं आपको? नहीं, कोई शिकायत नहीं जी। ग्वालियर माइक मेरा पास। ग्वालियर में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो सबको दिख रहे हैं, और इतने साल से जो नहीं हुए वो नहीं दिख रहे। और है क्या है, महंगाई की समस्या है सभी जगह, तो कंट्रोल कैसे हो? तो जो नेता है ना, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष अगर गलत कर रहा है तो विपक्ष क्या कर रहा है? घास खोद रहा है, विपक्ष आवाज उठाए ना। सत्ता पक्ष अगर मनमानी कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है, उसको भी काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक की जिम्मेदारी है, दोनों ही काम करे तो यह नहीं, एक दूसरे पर उंगलीबाजी करना, लड़ना बढ़ना, ऐसे काम नहीं चलता। काम कीजिए, थैंक यू। मेडिकल एजुकेशन में काम होना चाहिए बस। यहाँ पे क्या है, चाहे पूरे भारत है, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई काम नहीं करना चाह रही है। अब डोवा कहते हैं केजरीवाल ये चोर है, मैं व्यक्तिगत किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या मोदी जी हो, कोई भी हो। मैं किसी भी आरोप प्रत्यारोप, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी पार्टी आए, केवल ओनली पूरे देश के ऊपर या पूरे स्टेट के ऊपर ओनली उसका एक ही फोकस होना चाहिए, मेडिकल और एजुकेशन। मेडिकल एजुकेशन सुधारा जाएगा ना, पूरे देश का उद्धार ऑटोमेटिकली हो जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं का विकास होना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन सत्य प्रकाश जी क्या क्या वजह है कि खिलाफत में हम चुनाव देख रहे हैं? मुद्दों की तो बात कहीं पीछे छूट जा रही है। देखिए, ग्वालियर का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जब भी केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया तो ग्वालियर में डेवलपमेंट उसके द्वारा, चाहे वो कांग्रेस का रहा हो या बीजेपी का रहा हो, लेकिन हाँ अगर वो यूनियन कैबिनेट में शामिल हुआ है तो जरूर ग्वालियर में डेवलपमेंट देखने को मिला। लेकिन ग्वालियर आज भी इंदौर, भोपाल या जबलपुर जैसी राह पर नहीं दिखता। ये ग्वालियर में किसी भी नेता ने, चाहे वो किसी भी पार्टी से चुना गया हो, उस लाइन पर लाने की तरफ नहीं देखा गया। लेकिन अर्पण जी, बीजेपी वाले तो कहते हैं कि बहुत सौगातें मिली हैं, एयरपोर्ट मिला है, रेलवे स्टेशन का विकास, म्यूजियम, फलाना ढिमकाना। देखिए, विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जिसके तहत विकास तो होता ही है हर, और मतलब जितनी फंडिंग हमें केंद्र सरकार से और तमाम जो एडीबी योजना, तमाम जो योजनाएं मिली हैं, विकास तो सतत प्रक्रिया है। और निश्चित तौर पे मतलब पिछले 10 सालों में ग्वालियर में विकास तो हुआ है, इसको हम टाल नहीं सकते, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, विकास तो हुआ है। और बस ये है कि ये जो योजना है जो सरकार ने चलाई, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, तमाम योजना हो, इससे अपन पीछे यदि हम देखें योजनाओं के, मतलब आज उसको लेके ये पूरा विधानसभा चुनाव जिस तरह से ये चला और जिससे भाजपा को उससे फायदा मिला, पर आप हम इसका एक जो एक पक्ष देखें जो किसी ने देखा नहीं, कि इतना बड़ा फंड जो नगर निगम हो चाहे जितनी भी जिला पंचायतें हों, इनके पास सैलरी देने के लाले पड़ गए। ये स्थितियां हुई हैं, ये स्टडी है और ये फैक्ट है। लाडली लक्ष्मी योजना इन्होंने केवल विधानसभा जीतने के लिए चलाया, अगर ये महिलाओं के इतने ही अच्छे जैसी से तो पूरे विधानसभा जीत के आए थे, सब शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बने थे, तो शुरू से ही बहनों के बारे में क्यों नहीं सोचा? और जब बहनें जो पदक लेके आती हैं, दिल्ली में बैठती हैं, उनकी ये रक्षा नहीं की पाते हैं, तो ये महिला उत्पीड़न के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे केवल लूट मारी है, इस देश को लूटना चाहते हैं, इस देश को बेचना चाहते हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पर, अरे भागी मत, अरे
नारी शक्ति की बात होती है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अंगूरी कुशवाहा। बहुत प्यारा नाम है अंगूरी जी आपका। अंगूरी जी कैसा चल रहा है किचन, घर में सब ठीक? सब ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कोई ऐसी चीज जो आप चाहती हो कि यहाँ पर सुधरे? यहाँ पे क्या सुधरना चाहिए, गरीबों को थोड़ा अपना नेता की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सपोर्ट नहीं देता। बस देते तो है फ्री राशन, हर घर नल जल योजना। राशन देने से क्या घर चल जाएगा? राशन देने से घर तो चलेगा नहीं, जब तक अपन दो पैसे नहीं कमा के लाएंगे उस राशन से क्या काम चलेगा। 5 किलो राशन दे रहे हैं एक व्यक्ति पे, उसपे क्या है? कुछ भी नहीं। 5 किलो राशन 5 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे घर बैठ के? कुछ भी नहीं कर सकते। इससे तो बढ़िया अगर गरीबों को थोड़ा ने दुकान लगाने दे, जब उनको मदद करे काम धंधे में, तो जनता का वो नेता होगा वो भी है। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से। आप बताइए क्या नाम है आपका? शर्माइए मत, कोई बात नहीं। नहीं, नहीं, अपनी बहन का साथ दे दो। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ नहीं, 5 किलो राशन से क्या होगा? वो कह रहे हैं कि रोजगार का मौका मिलना चाहिए। देखिए, रोजगार जिसको करना होता है उसको रोजगार ढूंढना चाहिए, और रोजगार ढूंढने रोजगार मिलता है। केवल बातें करने से कुछ नहीं होता है। सरकार योजना बना सकती है, सरकार आपके लिए नई नई बातें ला सकती है, आपको प्रयास करना होगा। चाहे वो स्टार्टअप योजना हो, चाहे कौशल योजना हो, चाहे मुद्रा योजना हो। कितने लोगों ने मुद्रा योजना का लाभ उठा करके बड़े बड़े उद्योगपति बन गए, कितने लोगों ने स्टार्टअप योजना का लाभ लेके कितने बड़े बड़े उद्योगपति बन गए। तो यदि आप रोजगार ढूंढेंगे तो रोजगार मिलेगा। और जहां तक मुफ्त राशन की बात है, कोविड में ये स्कीम चालू की थी, और उसके बाद जब देखा कि जो फुटपाथ पे बैठने वाले लोग न अपनी दुकान लगा पा रहे हैं, जो पंचर जोड़ते हैं वो पंचर जोड़ नहीं पा रहे हैं, जो फुटपाथ पे काम करते हैं फुटपाथ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मोदी जी ने मुफ्त राशन दिया है और उनको बचाया है। मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं कोई व्यवसाय नहीं हूँ। एक्चुअल में क्या है, मोदी जी का टाइम से जब से मोदी जी आए हैं बहुत परेशानियां आ गई हैं शहर के अंदर। जैसे कि आपने इन्हें बोला कि अभी ठेले वाले रोजगार ढूंढे, ये करें वो करें, ठेले वालों को धूल उठाकर फेंक रहे हैं ये लोग। कौन? मोदी जी, मोदी जी की सरकार। हम खुद परेशान हूँ, जब 32,000 रुपए की सैलरी थी आज मैं 10,000 रुपए में नौकरी कर रहा हूँ। मेरा खुद का दुकान तोड़वा दिया उनने, मैं किसी की क्या बोलूं। सर का कहना था कि मैं 10,000 रुपए आ गया, वो आपकी गलती है कि आप 25,000 से 10,000 रुपए क्यों आ गए। ये लड़कों की सोच है। मैं यहाँ की सोच बता दे रहा हूँ। अरे शांत, सुन लीजिए। सर का कहना था कि मैं 25,000 से 10,000 रुपए आ गया, तो ग्वालियर के लड़कों की माइंड सेट मैं बता दे रहा हूँ। जितने मैंने इंटरव्यू लिए, भैया मेरी माँ तो हाउस वाइफ है, पिताजी मेरे गवर्नमेंट में 10-12,000 मिल जाए, MBA पास हूँ, मेरे को बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा हथियार है, मेरे पास रहेगा। देखिए, मेरा नाम विकास है और इनका नाम विकास है, सुन लो ध्यान से। तो मोदी ने मतलब जो लास्ट 10 ईयर्स में काम किया है वो कांग्रेस ने शायद 70 साल में भी नहीं किया था। आज बीजेपी ने देश के अंदर जितने भी बड़े मुद्दे थे, जैसे आपका राम मंदिर है, 370 है, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो दिल्ली के अंदर कांग्रेस के राज में लोग बम से फेंकते थे, वो आज कश्मीर में भी नहीं फेंक रहे बम। तो इससे बड़ा और क्या होगा? कश्मीर में शांति है, अयोध्या में राम मंदिर है, बताइए जवाब कौन देगा यहाँ से? भैया मैं मजदूर हूँ, इसी बाड़े से मजदूरी करता हूँ। अरे सुन तो लीजिए भैया, थोड़ा सुन लो। अरे हमारे वोट से बनते हो यार, सुन लो। बहुत बढ़िया बात, देखिए जनता के सेवा है, जनता की सेवा करने के जनता के सेवक है, तो बात सुन लो जनता की। बिल्कुल, मैं तो ये सोच रहा था यहाँ RSS का वो है हेड ऑफिस, तो RSS ने कुछ अच्छे सिखा कर भेजे होंगे, जो अच्छे तरीके से बात करेंगे, देश की बात रखेंगे, पर दोस्त ऐसी उम्मीद मुझे नहीं देखी आपसे। और नहीं, यही ताली ना बजाएं, ये इतने ढीली हो गई है कांग्रेस, इनको तो मतलब हद होती है। मैं अपने बोरिंग ढूंढ पा रहे पोलिंग एजेंट तक, पर ये जीतने की बात करते हैं। चलो अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं दोनों के साथ है। मैं तो ये कह रहा हूँ साहब,
हमें ना मोदी जी की गारंटी चाहिए और ना अमित शाह जी की गारंटी चाहिए, हमें तो संविधान की गारंटी चाहिए। मैं जाति का कोरी हूँ, हमें जूते पड़ते हैं, हमें संविधान बचाता है, हमारी गारंटी केवल संविधान है, इसलिए संविधान बचना चाहिए। राज्यसभा राम मंदिर का हमें कोई बुराई नहीं है साहब, हमें कोई बुराई नहीं है। राम, मेरा नाम खुद राम है, मेरा नाम खुद राम है। मैं आपको बता दूं, अब बात तो सुन ले साहब, अरे सुन लो सुन लो, अरे बात सुन लीजिए। हम तो हमारे बहुराष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत राष्ट्रों में भागते हैं, वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल इतनी बात कि सच तो बोलो यार। बस हटो 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 हटो, कमल जी कौन ये बात फैला रहा है जो वहां पर अखिलेश यादव भी कहते हैं कि संविधान और आरक्षण को खत्म करना चाहती है बीजेपी, प्रधानमंत्री ने इसको लेकर भी बयान दिया कि ये सब गलत है। देखिए मोदी जी के विकास के सामने कांग्रेस का कोई मुद्दा है ही नहीं बोलने का, तो ये नए नए षड्यंत्र रचते हैं, नए नए जुमले समाज में फेंकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको अपने अंदर झांकना चाहिए, इनके नेता इनको छोड़कर क्यों भाग रहे हैं, ये सनातन का विरोध करते हैं, सनातन को ये लोग बताते हैं कि एड्स है, सनातन कोविड है, जिस सनातन के दम पर आप आज जिंदा हैं उसको आप गाली देते हैं, राम मंदिर का आमंत्रण मिलता है उसको ठुकराते हैं, आपके नेता ये कह के जा रहे हैं, आपके 15 पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं कांग्रेस, इसको जरा देखिए, समझे आप, 4 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता इनका साथ छोड़ चुके हैं, इनको झांकना चाहिए। वो तो साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन आप क्यों साथ हाथ पकड़ रहे हैं उनका? देखिए जो लोग अच्छे हैं, जो राम का समर्थन करते हैं, जो मोदी की नीतियों को समर्थन करते हैं, जो भाजपा के साथ हैं, जो राष्ट्रवाद के साथ हैं, वो सब भाजपा के साथ में आ रहे हैं, उनका स्वागत करते हैं। वो स्वागत कर रहे हैं सबका जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, बताइए। कल तक हमारे नेता जो भ्रष्टाचारी था इनके साथों के साफ हो गए, और सनातन की बात करते हो, क्या हम लोग अरे सनातन इनके राम मंदिर के पॉलिटिकल इवेंट पे हम नहीं, चारों मटके शंकराचार्य निकले थे, उनको का डर बोलो आप लोग, माइक से ना आवाज तेज जाएगी, आराम से बोलो। चारों मटके शंकराचार्य निकले, मोदी जी इस देश के शंकराचार्य जो धर्म के बाहक है उनसे बड़े हैं। जो आपने किसको बुलाया? मोदी जी दुनिया भर की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन मोदी जी की गारंटी कौन लेगा जो जितनी जुमलेबाजी करते हैं? पूरे भारत में ये चर्चा है कि गौ माता, हम माता जी को मानते हैं, और उस कंपनी से जो गौ की हत्या करती है भाजपा, उस कंपनी से चंदा ले रही है, इलेक्ट्रल बोर्ड के जरिए, इलेक्ट्रल बोर्ड पे बीफ अपनी बाइक को गारंटी नहीं दी, मोदी जी ने गारंटी चाहिए, सोदा बहन की भी ली थी। जब से मोदी जी का शासन इस भारत के अंदर आया, तब से किसी भी स्टेशन पर, किसी भी एरोड्रम पर यह सुनने को नहीं मिला कि उस बैग को मत उठाना, उसमें बम हो सकता है, उसको मत उठाना डिब्बे को, उसमें बम हो सकता है। देश को सुरक्षा मिली है मोदी जी से, और देश पूर्ण सुरक्षित हाथों में है, इसलिए मोदी जी की सरकार इस बार 400 पार। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सुचेता सिंह है। खड़े हो जाइए आप प्लीज। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6th क्लास। यहाँ पर क्या करने आई है? मैं तो कुछ नहीं करने, मैं तो शॉपिंग करने आई थी। शॉपिंग करने आई थी, प्रोग्राम देखने रुक गई। यस। अच्छा, कुछ नॉलेज है पॉलिटिक्स की? नो। हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, क्या जानती है आप उनके बारे में? मोदी जी दो। चलो गुड। हाँ जी, ये आपने पटका पहना हो तो कुछ बोलना चाहेंगे अपनी पार्टी के लिए? बिल्कुल बोलेंगे। मैं आदरणीय पांडे जी से पूछना चाहता हूँ कि ये गरीबों की बात कर रहे हैं, आज हम जो महाराज बाड़े पर गरीब महाराज स्थल पर खड़े हुए हैं, महाराज बाड़ा एक हृदय स्थल है ग्वालियर का, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 15 महीने की सरकार में इन आपके विधायक ने यहाँ के सब देंगे साथ भी देंगे, 15 महीने में हमारे फुटपाथियों को क्यों भगाया? ऐसे ही अगर विधायक ने तो हमारे गरीब फुटपाथियों को यहाँ से बेदखल क्यों किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। दूसरा, इन्होंने हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला था ये मोदी जी गारंटी कौन लेगा, ये मोदी जी का परिवार बैठा हुआ है, पूरे देश में मोदी जी गारंटी लेंगे,
जो हमारे देश में हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है विदेशों में जाके और देश की स्थिति को मजबूत किया है और जो अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना चाहते हैं उसकी गारंटी गारंटी पूरी करने की मोदी की गारंटी। अरे मैम नो वर्ड्स प्लीज। जहाँ तक बात गारंटी की है तो अभी मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरे को तो यही चीज की गारंटी नहीं है कि मैं अगर कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को वोट दूं और वो जीत जाए तो वो कल को कांग्रेस में ही रहेगा, दो दिन बाद वो बीजेपी में चला जाएगा, तो गारंटी आजकल किसी चीज की नहीं है। और जहां तक ग्वालियर की बात है, ग्वालियर में एक तरफ बीजेपी का जो प्रत्याशी है, पार्टी अच्छी है, प्रत्याशी समझ में नहीं आ रहा है। और जहां तक मैडम पूरी बात, और जहां तक कांग्रेस का प्रत्याशी है, प्रत्याशी शिक्षित है, अच्छा है, युवा है, कर्मठ है, काफी संघर्ष करने वाला है, लेकिन पार्टी समझ में नहीं आ रही है। और तीसरा फैक्टर, एक तीसरे प्रत्याशी भी आजकल, तीसरे प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं कोई कोई नहीं। इस, क्या नाम है आपका, आप बात करेंगे? नहीं नहीं नहीं। अच्छा आप भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं प्रत्याशी तो ठीक है लेकिन पार्टी समझ नहीं आ रही, पैर हटाइए। प्रत्याशी जयभान सिंह पवैया जी नहीं मिले, विवेक सेजवालकर जी नहीं मिले, नरोत्तम मिश्रा जी नहीं मिले, इनको इनको कौन मिला है? एक समाज जातवादी भारत सिंह कुशवाहा, कुशवाहा से चुनाव है। यहाँ पर बड़े नेता जिन्होंने राम जन्मभूमि में भी गए पवैया जी, उनको भी नकार दिया, विवेक सेजवालकर जी को भी। आप क्यों दुखी हो रहे हैं उनके लिए? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बोलो पवैया जी एक अच्छे अच्छे नागरिक है, विवेक सेजवालकर वोट देते क्या उन्हें? मैम ये जो अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ईडी और इससे ये कर रही है, ये खुद बोल रहे हैं कि हमारे भ्रष्ट नेताओं को ले लिया, इसका मतलब ये इतने साल से भ्रष्ट नेताओं को लेके साथ में चल रहे थे। अगर इनको पता है कि भ्रष्ट नेता है तो उसको उसी समय बाहर निकालना था, भ्रष्ट नेता को क्यों रखा? हाँ मैम मैं कांग्रेस से दो सवाल पूछना चाहता हूँ। ईडी ये तो चिल्लाते हैं मेरे घर पे ईडी आ जाए, मुझे डर नहीं है, तो ये लोग क्यों भाग रहे हैं ईडी से? दूसरा हमारे भैया कह रहे थे अभी कि विवेक सेजवालकर जी को हटा दिया, माननीय सेजवालकर जी ने खुद स्वेच्छा से पद को छोड़ा है, उन्होंने अपनी इच्छा से इस पद को छोड़ा है कि मैं अब इस उम्र पर हो गया हूँ कि मुझे आगे मैं इस कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता, इसलिए आप दूसरे प्रत्याशी का चयन करें। माँ की जानी सी से पूछिएगा कि उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ा है क्या? रही बात गारंटी की तो मैं आपके माध्यम से एक सवाल करूंगा, 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार देने की गारंटी दी थी मोदी जी ने, 10 साल हो गए, उनकी वित्त मंत्री संसद सदन में खड़े होकर स्वीकार करती हैं कि हमने 7,59,000 लोगों को केवल रोजगार दे पाया है। तो जो रोजगार की गारंटी नहीं दे पाए, देने के बाद उसको पूरी नहीं कर पाए, आज महंगाई 400 का सिलेंडर में इनको डायन लगती थी, आज 1,000 का पार कर गई, अब इनको महंगाई क्या लगती है? जो सरसों का तेल 70 रुपए लीटर आता था, आज वो सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हो गया, आटा हो, दाल हो, चावल हो, घर का राशन का एक एक कतरा। आप कह रहे हैं सब महंगा हो गया, ये कह रहे हैं ना आप, ठीक है। लेकिन मेरे राजू पहले पांडे जी सवाल आपसे, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का डर तो उनको होगा जो करप्ट होंगे ना। ये मोदी जी ने कहा था कि एनसीपी मतलब नेचुरली करप्ट पार्टी, और अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है और 2 दिन बाद ही अजीत पवार को मोदी जी ने डिप्टी सीएम बना दिया, तो ये सब आप लोग समझदार हैं सोचिए। तीसरा ये कह रहे हैं विश्व में साख है, मोदी जी ने कहा था यदि रुपए की कीमत गिरती है तो विश्व में भारत की साख गिरती है, ये मोदी जी ने कहा था। ये कब कहा था? जब $1.58 के बराबर था, आज $1.83-84 के बराबर है, तो भारत की साख कौन गिरा रहा है? मोदी जी सुषमा स्वराज जी ने कहा क्या कहा था कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री पद की गरमा गिरती है, तो मोदी जी अपने पद की गरमा खुद ही गिरा रहे हैं, मोदी जी खुद ही साबित कर रहे हैं। और जहां तक संविधान पर बात चल रही है, रोजगार पर बात चल रही है, आपने रोजगार की बड़ी अच्छी बात की, ग्वालियर में कहा जा रहा था कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे, मुझे बताइए कांग्रेस ने क्या दिया? मालनपुर। कांग्रेस ने क्या दिया? बामोर। केवल ग्वालियर में 2 इंडस्ट्रियल एरिया है जो कांग्रेस ने दिए जो रोजगार देते हैं, लेकिन तानाशाही के कारण, गुंडागर्दी के कारण वहां भी लोग फैक्ट्रियां लगाना पसंद नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक फेज का चुनाव हो चुका है, युवा देश का निराश है क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा है, 38% युवाओं ने केवल वोट डाला है, 62% युवाओं ने वोट ही नहीं डाला है, क्यों? क्योंकि वो निराश है, रोजगार नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा कि आपको हम रोजगार देंगे, तो 38% ने क्या आपको वोट दिया है क्या? जी जी, अब मेरी बात सुन लीजिए,
मोदी जी हमेशा क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा क्या करती है, उनके विज्ञापन क्या कहते हैं, उनके इवेंट क्या कहते हैं, 24 घंटे चुनाव प्रचार उनका चलता है, उस हिसाब से 100% युवाओं को नहीं तो 80% युवाओं को वोट डालना चाहिए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि युवा निराश है, हताशा से वोट करने ही नहीं पहुंच रहे। मैं तो पांडे जी से ये कहना चाहता हूं कि जो 10 साल का शासन काल था दिग्विजय सिंह का, उसको भी याद करें। ग्वालियर मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, आज विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है। ये किसने किया है? खेती का रकबा किसने बढ़ाया है? रोजगार किसने क्रिएट किए? पटरी वालों को, ठेले वालों को, सब्जी वालों को सरकार लोन देती है, वो लोन चुकाते हैं, उनको दुगना लोन उनके मिलता है। ऐसे कई लोगों से मैं मिला हूं जिन्होंने 10,000 का ऋण लिया, उन्होंने भरा, उनको 20,000 का ऋण लिया, जिन्होंने 20,000 का ऋण भरा उनको 50,000 का ऋण मिला। आप रोजगार अगर करेंगे, करना चाहेंगे, आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित तौर पर आपको रोजगार मिलेगा। कोई युवा है जो रोजगार बात करना चाहता है? नहीं नहीं, पार्टी का नहीं, आम जनता में से कोई युवा रोजगार को लेकर किसी के मन में कोई सवाल हो तो? आपके मन में कोई सवाल है? नहीं, युवा लगता है कोई सवाल ही नहीं करना चाहता है। खैर अर्पण जी, एक और बात, मैं रोजगार को लेकर, रोजगार को लेके मैं बात आप जैसे पूछ रही हैं सवाल कुछ कहना चाहता हूं, तो मेरा खुद कहना यह है कि आप पहले यहां देखेंगे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे, हमारे राम भाई ने जैसे बताया कि यहां पे मालनपुर था, बामौर है, तानसेन इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अलावा बाराघाटा तमाम एरिया है, पर रोजगार को लेके यहां का युवा मैक्सिमम पलायन कर जाता है। आप देखेंगे ग्वालियर में आज जितने भी मेरे साथ, क्या मेरे से छोटे जितने भी युवा मतलब साथी रहे हैं, मैक्सिमम अपनी रोजगार के लिए पूना, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। जितने भी बुजुर्ग माँ बाप है वो अकेले यहाँ घरों में रह रहे हैं और उनके युवा मतलब जितने भी बच्चे हैं उनके यहाँ से पलायन हो चुका है। तो निश्चित तौर पे आज जो दुनिया यहाँ डॉलर और संविधान की बातें कर रही है इस बहस में, मुझे लगता है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है ग्वालियर के लिए। रोजगार पे बात जरूर होना चाहिए, यहाँ के युवा, इनको रोजगार की बहुत आवश्यकता है जिससे यहाँ का युवा पलायन न करे और अपने शहर में अपने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम तो योजनाएं चला रहे हैं, हम प्लेटर में सर्व थोड़ी करेंगे हर किसी को रोजगार। प्लेटर सर्व नहीं करेंगे जब यहाँ पे उद्योग नहीं होंगे उस स्तर के कि यहाँ पे मैक्सिमम युवा है, क्यों जा रहा है फिर यहाँ से? उद्योग ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे किस लेवल के उद्योग है उसके बाद कोई एक्सपेंड नहीं हो पाई चीजें। किसान आत्महत्या कर रहे हैं मैडम, और ये कहते हैं मोदी जी का परिवार है हिंदुस्तान। मैडम बोल, एक मिनट, वहाँ से किसी ने हाथ लाया। रुक जाइए। हाँ सर, क्या नाम है? आगे आ जाइए। वो थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है ना, लाउड स्पीकर के पास जा रही हूँ। आइए। ध्रुव अकेले हूँ। मेरा आप कुछ कहना चाह रहे थे? रोजगार के लिए कह रहा था, ग्वालियर में जितने भी युवा हैं उनको भरपूर रोजगार मिला हुआ है। यहाँ पर कॉलेज बहुत हाई क्लास कॉलेज है, उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए मिल रहा है। आप आगे आ जाइए, वहाँ पे एक्चुअली साउंड सिस्टम लगा है, तो मैं आऊंगी तो माइक में दिक्कत हो जाएगी। आइए मैम, प्लीज आइए मैम। क्या नाम है आपका? मुस्कान। आप यही लोकल हैं? कितने साल से यहाँ पर हैं? 15 साल से। अच्छा, क्या कुछ बदलाव देखा है आपने ग्वालियर में? बहुत कुछ बताइए फिर। पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। हाँ। और कांग्रेस तो हमेशा ना हिंदू मुस्लिम ही कराती रहती है, वो लाइट ही नहीं, कभी लाइट ही नहीं देती। जब भी कांग्रेस आई है ना एमपी में, वो लाइट ही कट कर देती है, और है ना, और मोदी के उसमें 24 घंटे लाइट रहती है, 24 घंटे लाइट मिल रही है। मोदी जी के राज्य में आम आदमी और कांग्रेस पूर्ण रूप से सुरक्षित है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक ग्वालियर में सेफ है ना? बिल्कुल टोटल सेफ है। ग्वालियर की बात करते, आइए आगे आइए आगे। हमारे यहाँ वोटिंग हो चुकी है, मैं वोट डाल के आ चुका हूँ, मेरे यहाँ पे वोटिंग हो गई है राजस्थान फर्स्ट चरण में। हाँ, मैं बीजेपी। तो ये बताना है आप? अच्छा, रुक जाओ भाई, सब बार बार वही रिपीट करेंगे क्या? मैडम भ्रष्टाचारी इतनी है और बिल्डरों को, किसानों को नीचे स्तर पर दबाया जा रहा है और बिल्डर को उठाया जा रहा है। अब मैं भी किसान हूँ, मेरी जमीन में कितना विवाद कर दिया वो पॉलिटिक्स से लेकर नहीं, अधिकारियों को लेकर नहीं, मैं कितना जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मेरे कोई आगे पीछे नहीं, कौन चेक देगा? मोदी जी गारंटी ले रहे हैं। ठीक है, लाइट की बात करो, लाइट बिल इतना आता है और लाइट कटौती जाना है। मैडम 10 साल में मोदी जी ने इतना बदल लिया है कि पाकिस्तान कहता है कि मोदी जी हमारे घर में घुस के आतंकवादियों को मार रहे हैं, कनाडा कह रहा है कि हमारे घर में घुस के खालिस्तानियों को मार रहे हैं, अमेरिका कह रहा है खालिस्तानियों को हमारे घर में घुस के मार रहे हैं,
और ये मनमोहन सिंह की सरकार में जब 26/11 का हमला हुआ था तो सब बैठ गए थे घर पे, हम कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का, पाकिस्तान का कुछ कर नहीं सकते हम, इतना डर लगता है पाकिस्तान से। बिरयानी खिलाते थे कसाब को यहाँ पे डाल के, इनको शर्म नहीं आती, इनने पाकिस्तान का नाम लेने में कितने मैडम जी पुलवामा में हमला हुआ था, 55 जवान शहीद हुए थे, उसकी जांच आज तक नहीं हो पाई। 10 पार्टियों को मिलके एक पार्टी बनाई गई है और इधर एक पार्टी है, पहले 10 लोग संगठित हों, पहले सत्ता में ये रहे 40-50 साल सत्ता में रहे और उन्होंने सत्ता में रह के इतनी मजबूत स्तंभ को जो है इतने नीचे स्थिति में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उस पार्टी में कुछ कमियां हैं, पहले अपनी कमियां समझे अपने गिरेबान में झांके आप कह रहे ना। हाँ जी मैडम, एक बात कहना चाहता हूँ, इनने नोटबंदी करी थी तो की लेता पूछा था इन्हें, की लेता पूछा था कि मोदी ना नोटबंदी करने वाला हूँ मैं, उसमें कोई गरीब लगा, कोई लखपति नहीं लगा था लैंड में, गरीबी लगा था गरीब, किसी घर में शादी है, किसी घर में बहन बहन दिया। मैडम मेरा नाम कपिल पाल है, ये भाई अभी कह रहे थे कि मोदी जी ने पाकिस्तान आज कह, तो इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी जिनने आज से कई साल पहले पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और मोदी जी पाकिस्तान में जाकर बिरयानी खा रहे। जय पाकिस्तान की। कैमरे मैन के सीट चेंज कर दिया आराम से। ईवीएम को बंद करो, ईवीएम को बंद करो, सबसे चोर ईवीएम, ईवीएम को ठप्पे वाला काम करो, सबसे बढ़िया काम है ठप्पे वाला, पहले होता था अब ईवीएम हो रही है। आप कह रही थी विकास, एक बार रुक जाओ, विकास में बता दूं, इस ग्वालियर में विकास और रोजगार क्यों फैला हुआ है बेरोजगार, यहाँ पर विकास अगर हो हुआ है तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का हुआ है और किसी का नहीं हुआ है। मेरे अरबन भाई ने और इन लोगों ने, एक मिनट, पढ़े लिखों की तरह बिहेव करे तो अच्छा लगेगा ना, पढ़े लिखों की तरह बिहेव करें। देखिए अरबन भाई ने भी जो बात कही बेरोजगारी है ना, तो बेरोजगारी जो होती है वो जरूरी नहीं होती कि गवर्नमेंट की जॉब मिले तभी वो बेरोजगारी दूर होती है। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो एजुकेशन के बाद में लोन लेकर अपने अपने सेटअप जा रहे हैं, आप स्टार्टअप्स देखिए। ठीक है, आखिरी कमेंट सर आपसे। जी देखिए, ये यहाँ हम जो डिबेट करने आए थे वो ग्वालियर के इश्यूज पर बात करने आए थे। देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है कि उन्होंने पूरी डिबेट को नेशनलिज्म पर और नेशनल सिक्योरिटी पर टर्न कर दिया, यानी कि मोदी के फेस पर टर्न कर दिया, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी। हालांकि बेरोजगारी इशू 2019 में भी रहे, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन प्रवीण पाठक ने एक बड़ा वादा किया है यहाँ पर, उसने कहा है कि हम 1,00,000 रोजगार देंगे, क्या ये वो कर पाएंगे अगर उसकी देखना होगा किसकी स्ट्रेटजी काम आती है। तो चुनाव एक्सप्रेस में आज ग्वालियर लोकसभा सीट से फिलहाल इतना ही, हमारे स्थानीय सहयोगी सुशील कौशिक मदद से हमने शो का जबरदस्त पूर्वक आयोजन किया है और आगे भी चुनाव एक्सप्रेस घूमती रहेगी और आप तक हम जमीन की हकीकत का हर हाल बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। बहुत धन्यवाद, देख रहे न्यूज 18।